उत्तराखंड की दो बेटियों ने यूपीएससी में पाई बड़ी सफलता। एक ही शहर की दो बेटियों ने यूपीएससी में पाई वो रैंक की खुशी से फूले नहीं समा रहे शहर वाले। हल्द्वानी की दो बेटियों ने यूपीएससी में गाढ़े सफलता के झंडे। फार्मासिस्ट की बेटी दीक्षिता जोशी ने कड़ी मेहनत से पाई 58वीं रैंक। साक्षी बिस्ट ने घर बैठे ही इस तरह से की पढ़ाई कि मिल गई सफलता। इस समय देश की सबसे बड़ी और मुश्किल परीक्षा में पास हुए युवाओं की हर तरफ चर्चा है, क्योंकि इस परीक्षा के लिए इन युवाओं ने दिन रात एक कर पढ़ाई की थी, जिसका नतीजा आज उन्हें मिला है। यूपीएससी में इस बार देवभूमि उत्तराखंड के युवाओं ने धूम मचा दी, क्योंकि उत्तराखंड के एक नहीं दो नहीं बल्कि कई युवाओं ने परीक्षा पास कर ली। यूपीएससी के नतीजे जब से सामने आए तब से उत्तराखंड के कई घरों में जश्न का माहौल है। राज्य के कई युवाओं ने यूपीएससी में सफलता हासिल कर सूबे का नाम रोशन किया। इस लिस्ट में हल्द्वानी की दो बेटियों ने बाजी मारी है। इसमें एक है पीली कोठी क्षेत्र की रहने वाली दीक्षिता जोशी, जिन्हें यूपीएससी परीक्षा में 58 रैंक मिली, तो वहीं यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाली हल्द्वानी की दूसरी बेटी हैं साक्षी बिस्ट, जिनकी कड़ी मेहनत के बाद आईएएस अफसर बनने का सपना पूरा हुआ। चलिए आज आपको अगले कुछ मिनटों में इन दोनों होनहार बेटियों की निजी जिंदगी और संघर्ष के बारे में बताते हैं, क्योंकि इनके संघर्ष की कहानी उन युवाओं को प्रेरणा देने वाली है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोनों होनहार बेटियों की कहानी। बस आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी परीक्षा में 58वीं रैंक लाने वाली दीक्षिता जोशी की, जिनका आईएएस ऑफिसर बनने का सपना अब साकार हुआ। दीक्षिता की माता दीपा जोशी पहाड़ पानी के खीमराव आर्यन राजकीय इंटर कॉलेज में हिंदी विषय के प्रवक्ता हैं। दीक्षिता के पिता आई के पांडे नैनीताल बीडी पांडे अस्पताल में फार्मासिस्ट के पद पर तैनात हैं। दीक्षिता जोशी ने हल्द्वानी के आर्यमन विक्रम बिरला स्कूल से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की। दीक्षिता बचपन से ही पढ़ाई में होशियार रही। हाई स्कूल और इंटर में अच्छे नंबर से पास होने के बाद उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए जीबी पंत विश्वविद्यालय पंतनगर भेजा गया। इसके बाद दीक्षिता जोशी ने आईआईटी मंडी से मास्टर्स किया और उसके बाद अपना सपना पूरा करने में जुट गई। वहीं दीक्षिता की इस कामयाबी के बाद हल्द्वानी ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में उन्हें बधाई मिल रही है। इसके साथ ही उनके स्कूल के साथियों ने भी सोशल मीडिया के तमाम माध्यमों से उन्हें बधाई भेजी। उनके पिता आई के पांडे ने कहा कि उन्हें विश्वास था कि दीक्षिता परीक्षा में अच्छा करेगी। उन्हें अपनी बेटी पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं हल्द्वानी की दूसरी होनहार बेटी साक्षी बिस्ट की। हल्द्वानी की एक और बेटी ने पाई सफलता। दीक्षिता जोशी की तरह ही हल्द्वानी के साक्षी बिस्ट ने भी यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल कर सिविल सेवा में जाने के सपने को साकार किया। हल्द्वानी निवासी राजेंद्र सिंह बिस्ट और शोभा बिस्ट की पुत्री साक्षी बिस्ट ने यूपीएससी परीक्षा में 484वीं रैंक हासिल की। साक्षी बिस्ट के पिता बीएसएफ से रिटायर्ड हैं, तो वहीं साक्षी की मां हाउसवाइफ हैं। साक्षी बिस्ट ने नैनीताल रोड स्थित बियर शिवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हाई स्कूल और इंटर करने के बाद जीबी पंत विश्वविद्यालय पंतनगर से बीटेक किया। साक्षी ने तैयारी के लिए घर से ही ऑनलाइन कोचिंग की और सफलता पा ली। बता दें कि साक्षी बिस्ट ने पढ़ाई पर फोकस करने के लिए सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी और पढ़ाई में मदद के लिए वो यूट्यूब समेत तमाम शिक्षा के माध्यमों से जुड़ी रहीं और इतनी मेहनत का नतीजा भी मिला। हमारी टीम की तरफ से हल्द्वानी की दोनों होनहार बेटियों को शुभकामनाएं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।